आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया, एक निश्चित पद्धति के अनुसार 0, 1, 2, 9 का मतलब ए, बी, सी और जे तक दिया गया है, तो हमें क्या बताना है? ए इसके जो हमारे पास वैल्यू दिया इसका मान हमें बताना है। तो हमारे पास जो वैल्यू दिया, देखो हमारे पास वैल्यू दी गई बी, यहाँ पे लिख लेते नीचे बी ए एफ डिवाइड बी एफ मल्टीपल डी। तो देखो इनका मान रखते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है, ए का मतलब कितना दिया गया है यहाँ पे, जीरो। ए का मतलब जीरो, बी का मतलब 1, सी का मतलब 2, डी का मतलब 3, उसी प्रकार ई का मतलब क्या हो जाएगा 4 और एफ का मतलब क्या हो जाएगा 5, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो बी का मतलब कितना दिया गया है यहाँ पे 1, ए का मतलब 0 और एफ का मतलब 5 डिवाइड, बी का मतलब कितना दिया गया 1, एफ का मतलब 5 मल्टीपल, डी का मतलब कितना दिया गया है 3। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखो जब हम 105 को 15 से डिवाइड देंगे तो 15 सत्ते कितना होता है 105, तो यहाँ पे 7 आ गया। ओके, मल्टीपल कितना आ गया 3, तो 7 3 21, तो 21 वैल्यू आ गई। अब देखो 21 को हम क्या लिखते हैं, 2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास सी और 1 का मतलब क्या हो गया बी, तो हमारे पास इस प्रकार क्या आंसर आ गया सी बी। तो सी बी क्या फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, तो बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी बी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन से करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।